श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये पांच बातें आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत के लगभग 35 साल बीतने के बाद जब श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तब से कलयुग शुरू हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि द्वापर युग में ही श्री कृष्ण ने पांडवों को वो सब बता दिया था जो आज के समय में हो रहा है और आगे भी होगा। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि कौन सी थी वो बातें और आगे क्या क्या होने वाला है कलयुग में? सिर्फ इतना ही नहीं, महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी ने तो कलयुग को सबसे आसान युग बताया। हैरान करने वाली बात है ना? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं श्री कृष्ण और वेदव्यास जी ने क्या ऐसा कहा कलयुग के बारे में, तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग दोगली बातें करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर को वन में दो सुन वाला हाथी मिला था, वैसे ही लोगों के ऊपर ये कहावत सत्य होगी, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, और लोग आपके मुंह पर कुछ और बोलेंगे, आपके पीठ पीछे कुछ और ये वास्तव में आज के जमाने में सच हो रहा है। वे कहते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने कार्यों का पालन ठीक तरीके से नहीं करेंगे। ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन करेंगे और वेदों पुराणों का पालन नहीं करेंगे। क्षत्रिय अपना शौर्य खो देंगे, वहीं वैश्य झूठ बोलकर और बेईमानी से व्यापार करेंगे और शूद्र लोग अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। लोग धर्म को त्याग देंगे और जिसके पास पैसा होगा उसी का बोलबाला होगा। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कलयुग की माताएं अपने बच्चों को इतना लाड़ करेंगे कि उन्हें अपाहिज बना देंगी या फिर उन्हें बिगाड़ देंगी। वो अपने बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होने ही नहीं देंगी। अब ऐसा समझ लीजिए कि कलयुग में माताएं अपने बच्चों को चलना तो सिखाएंगी लेकिन उन्हें अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे भीम ने जंगल में देखा था कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसे लहूलुहान कर दिया। मतलब कलयुग की माताएं अपने बच्चों को प्यार देकर ही उनका नुकसान करने लगेंगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में जिन लोगों को ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान का डंका बजाएंगे। वो लोगों को उपदेश तो देंगे लेकिन खुद उसका आचरण नहीं करेंगे, बल्कि उनके मन में हमेशा सत्ता को पाने की होड़ रहेगी। लोग हमेशा अपने से आगे वाले को गिराकर खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। बच्चे अपने पिता के मरने का इंतजार करेंगे ताकि संपत्ति उन्हें मिल सके। ये बिल्कुल ऐसा ही था जब अर्जुन ने देखा था एक पक्षी जिसके पंखों के ऊपर वेद लिखे हुए हैं लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में दिया तले अंधेरा रहेगा। मतलब लोग अपनी अपनी मर्जी के अनुसार ध्यान उपवास और दान तो करेंगे, लोग अपने पैसे को अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करेंगे लेकिन किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे। दान धर्म जैसे शब्द कलयुग में खत्म हो जाएंगे। लोग इतना गिर जाएंगे कि वो अपने ही सगे लोगों की जरूरतें भी पूरी नहीं करेंगे जबकि वो अपना पैसा व्यर्थ में उड़ाने को तैयार रहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा नकुल में देखा था कि सात कुओं में से बीच वाला कुआं खाली था और बाकी के आसपास के कुएं भरे हुए थे। इसके बाद सहदेव ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर पर्वत के ऊपर से गिरता हुआ जा रहा है और बड़े बड़े पेड़ों को काटता जा रहा है। कोई भी शिला उस पत्थर को नहीं रोक पाई जबकि एक छोटे से घास के तिनके ने पत्थर को रोक लिया। इस बारे में श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में इतना अधर्म होगा कि वो सब कुछ तहस नहस कर देगा, किसी में भी उस पाप को रोकने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन भगवान का छोटा सा नाम ही मनुष्यों को भव सागर से तारने के लिए काफी होगा। इसी बारे में वेदव्यास जी भी कहते हैं कि सभी युगों में सबसे आसान कलयुग ही होगा क्योंकि सतयुग में 12 वर्ष तपस्या करने पर प्रभु की कृपा होती थी, त्रेता युग में अवधि 4 वर्ष रह गई, द्वापर युग में 1 वर्ष तक तपस्या करने से लोग मोक्ष पा लेते थे और कलयुग में तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। दोस्तों आज के वीडियो की सारी जानकारी हम इंटरनेट से लेकर आए हैं, किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही हिंदू होने के नाते यदि आप अपने महाकाव्यों को सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आसानी से मिल सके जिनका उल्लेख कहीं और नहीं मिलता, साथ ही वो भी अपने कर्मों को सुधार सके और उनका भी कल्याण हो। साथ ही हमारे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद।